साथियों, आज हम आपके लिए एक प्लांट लाए हैं जिसको देवकिली या उसको हम कहें तो जाना जाता है इंडियन सूट्स के नाम से। काना इंडिका इसका नाम है और यह है कैनेसी फैमिली का है। आप इसमें देख रहे होंगे सिंपल इसके लीव्स हैं और इसका प्रोपेगेशन राइजोम के माध्यम से, छोटे छोटे राइजोम्स आपको इसमें दिख रहे होंगे, इसके माध्यम से इसका प्रोपेगेशन होता है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें एल्कलॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, स्टार्च, सेपोनिन और इसके फ्लावर वेरिएबल कलर्स के होते हैं। कहीं कहीं ऑरेंज भी होते हैं, येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं और फ्लोबेटेनिंस, ट्राई एकोंटासोल, स्टिग्मा स्टिरोल, बीटा सीटोसिटरोल, कॉम्पेस्ट्रोल आदि पाए जाते हैं। यह है एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, और हाइपोटेंसिव इसकी एक्टिविटी होती है। इसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। ये एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ड्योडिनम सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये ही एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और फिर ट्रिप्सिन बहुत सारे पेनक्रियाटिक जाइमोजेंस को एक्टिव करता है। जाइमोजेन का मतलब होता है इनएक्टिव प्रिकर्सर्स। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? एंटीरोकाइनेज का धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो जाता है एजिंग के बाद, या फिर कई बार हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमें जो होते हैं उसका कारण होता है कि हमारी अलर्टनेस का ना होना, या फिर हमारा ध्यान का केंद्रित ना होना, या फिर हम मल्टीफेसेटेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं, खाना खाते हुए खाना खा रहे हैं तो टीवी देख रहे होते हैं। इस कारण से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और इंटीरोकाइनेज डिपेंडेंट जो एंजाइम है वो डिसरेगुलेशन का कार्य स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ब्लड में इंसुलिन तो होता है लेकिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं होती है, और कम एज में बच्चे ओबीज भी हो जाते हैं, डायबिटिक भी हो जाते हैं। इस तरह की जो समस्या होती है उसके निराकरण के लिए प्रॉपर मात्रा में ड्यूडिनम सेल द्वारा एंटीरोकाइनेज का बनना, उससे कंट्रोल करने वाले ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन से पेनक्रियाटिक एंजाइम का सही संचालन इसके राइजोम के डिकॉक्शन के माध्यम से होता है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटी वायरल एक्टिविटी होती है, एंथेलमिंटिक एक्टिविटी होती है, और इसका डिकॉक्शन बनाकर ही सभी रोगों के निवारण के लिए हम देते हैं। अब बात करें इसका जो बीज होता है, उस बीज के लिए आप पाउडर बना लीजिए और फिल्टर करके पानी के साथ, जब आप इसको बना लेते हैं फिल्टर करके, ईयर एक की समस्या में, कान में दर्द हो तो डाल सकते हैं। इसके फ्लावर का फंट बना लेते हैं, गर्म पानी में फ्लावर डाल दिया, 12 घंटे बाद उसको छान के और आँखों में डाल देने से आँखों की जो वेदना है वो कम हो जाती है। इसका जो राइजोम है उसको सुखा के पाउडर बना लेते हैं, जिसमें स्टार्च कंटेंट होता है, वो न्यूट्रिएंट तो देता ही है, साथ साथ कलिनरी पर्पस से हम इस्तेमाल करते हैं। सॉस बनाया तो उसमें कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए थोड़ा विस्कस हो जाए, इस तरह भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यह ना केवल एक
प्लांट जो कि पूजा पद्धति में इस्तेमाल किया जाने वाला देवकिली है, बल्कि ये औषधीय भी है, और कई सारे फूड न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट बनाने में भी हेल्प करता है। ये अच्छा प्लांट है, राइजोम से इसको प्रोपेगेशन आप कर सकते हैं, अपने घरों में गमलों में लगा सकते हैं। अपने सजेशन जो आपके हैं या कोई कमेंट आप करना चाहें वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। खास बात यह है कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेशन का कार्य करता है, बहुत आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।